नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस की। दोस्तों जो काफ़ी क्विक अनबॉक्सिंग होने वाली है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इससे पहले आपने काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग देखी होंगी, बट फिर भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनबॉक्सिंग है, तो आप फटाफट से देखो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों ये क्विक अनबॉक्सिंग है तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। दोस्तों ये मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस का बॉक्स देखिए, जिसके ऊपर दोस्तों मेरे यहाँ पे जो रेट जो EMI वगैरह नंबर है, रेट वगैरह है इसकी। दोस्तों देखिए इसमें हमें क्या क्या मिलता है। इसकी MRP दोस्तों 1,01,999 रुपये है, यानी जो 1 लाख समथिंग आप समझ लो, बट एक्चुअल में क्या प्राइस है मुझे मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें हमें दोस्तों एक इजेक्शन पिन मिलती है और एक केबल मिलती है, एक मोबाइल मिलता है। दोस्तों मैं बाकी सब आपको बॉक्स के अंदर दिखाता हूँ, तो एक मैं फटाफट से अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो मिलता है हमें एक फ़ोन वाइट कलर का, जो मैं अभी साइड में रखता हूँ जी। हमें एक बॉक्स और मिलता है दोस्तों इसके अंदर, और इसमें हमें और कुछ नहीं मिलता जो साइड में रखते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मिलती है हमें एक इसमें पिन, देखिए सिम इजेक्टर टूल या सिम इजेक्टर पिन जो भी बोल सकते हो आप इसे, ये इसकी पिन है। इसके अंदर दोस्तों आपको मिलती है एक चार्जिंग केबल, ये दोस्तों USB Type-C केबल, इसमें आपको चार्जर नहीं मिलता। और जी हैं इसके दोस्तों को डॉक्यूमेंट्स, देखिए ये सैमसंग के डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ नहीं है, साइड में रखते हैं सबको। चलिए मैंने फोन की तरह दोस्तों जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस। दोस्तों मैं इसकी पहले रैप हटाता हूँ, ये देखिए। हाँ दोस्तों इसके ऊपर एक पिन्नी लगी हुई है, वो भी हटाता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर हमें मिलती है 6.6 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि दोस्तों एक डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है, जिसके अंदर दोस्तों आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिलता है। इसमें आपको 3 कैमरा सेट मिलता है, जिसमें दोस्तों जो मेन कैमरा है वो 250 मेगापिक्सल का, एक है इसमें 12 मेगापिक्सल का दोस्तों, और तीसरा है इसके अंदर 10 मेगापिक्सल का कैमरा। फ्रंट में आपको यहाँ मिलता है 10 मेगापिक्सल का SLB कैमरा। और दोस्तों इसमें फ्लैश मिलती है, जो बैक दिया है दोस्तों एक ग्लास है, तो फ्रंट में भी दोस्तों आपको ग्लास मिलता है, और दोनों में ही दोस्तों आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों एक लेटेस्ट है प्रोटेक्शन के मामले में। तो दोस्तों दोनों तरफ आपको विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। आपको साइड में ये देखिए, ये मैं दोस्तों लेमिनेट कराया हुआ है, इस चक्कर में आपको यहाँ पर धुंधला दिख रहा है। साइड में दोस्तों आपको मिलता है मेटल का फ्रेम, तो काफ़ी प्यारा लुक आता है इस फोन का देखने में, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर दोस्तों साइड की बात करूँ तो यहाँ पर मिलते हैं आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन, ये दोस्तों पावर के बटन, जैसे दोस्तों आप बिक्सबी का यूज भी कर सकते हो और पावर के का भी इसे यूज कर सकते हो। ये मिलती है आपको 6.6 इंच की एक डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, इसके अंदर दोस्तों आपको अल्ट्रासोनिक सुपर वाला सेंसर मिलता है डिस्प्ले के अंदर, जो काफ़ी फास्ट है। इसमें आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है फेस वाला। और दोस्तों नीचे आपको मिलता है जो माइक है इसका, जो है चार्जिंग पोर्ट सी टाइप वाला, और यहाँ दोस्तों सिम ट्रे, जिसमें आप 2 सिम लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। दोस्तों इसमें आपको स्पीकर मिलता है डबल, एक स्पीकर यहाँ मिलता है आपको और एक मिलता है यहाँ पर। दोस्तों ऊपर वाला स्पीकर काफ़ी छोटा है, जो दिखता भी नहीं है। इसके अंदर दोस्तों आपको डुअल स्पीकर सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी अच्छी क्लियर साउंड इसमें आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी अच्छा साउंड आपको मिलने वाला है इस डिवाइस के अंदर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है सैमसंग की तरफ से, और लेटेस्ट डिवाइस है सैमसंग का। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे अपनी लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, और इसे आप अमेजन से ही परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा डिवाइस है। आपको ये डिवाइस लेना हो तो आप इसके वाइट कलर के लिए ही आएँ, क्योंकि इसमें आपको ब्लैक और एक ब्लू का ऑप्शन मिलता है, बट दोस्तों वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। अगर आप कोई डिवाइस लेना है तो आप वाइट कलर के लिए ही जाएँ, जो दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्यारा लुक इसमें नज़र आता है। दोस्तों जो कैमरा बम्प है देखिए उठा हुआ है, तो दोस्तों जैसे एप्पल के फ़ोन होते हैं आईफोन, उसमें दोस्तों कैमरा बम्प उठे होते हैं, सेम उसी तरीके से ये उठा हुआ है। और दोस्तों बट काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं एंड्रॉयड डिवाइस, तो जिन लोगों के लिए जिनको एप्पल नहीं अच्छे लगते तो आप इसे ले सकते हो, आपको सेम एप्पल वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि सेम डिज़ाइन वैसी ही है और वैसे ही मेटल की बॉडी है दोस्तों, ग्लास बॉडी और मेटल का फ्रेम। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।